यदि घर के कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो पूरा परिवार टूट जाता है, लोग सहयोग नहीं करते हैं, ऐसे में परिवार की स्थिति और ख़राब होने लगती है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी एक बड़ा संकट पड़ने लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि जहां पर पिता की मृत्यु के बाद बेटी के सामने पढ़ाई का एक संकट खड़ा हो गया था, लेकिन नाना मामा ने सहयोग किया, बेटी को शिक्षा ग्रहण करवाई। अब बेटी ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की ओर से जारी हुए कक्षा 10वीं के रिजल्ट में बुरहानपुर जिले में 484 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बेटी ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। बेटी की उपलब्धि पर पूरे परिवार में उत्साह का माहौल है। बेटी सेवा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई पूरी की है। लोकल 18 की टीम को बुरहानपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं में जिले में टॉप कराने वाली गौरी फेंगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 साल पहले पिता कन्हैयालाल फेंगड़े की मृत्यु हो गई थी। नाना कांतिलाल पन्नालाल बारी जो कि पान की दुकान चलाते थे, उन्होंने बेटी कविता और नातनी गौरी का सपना नहीं टूटने दिया और शिक्षा ग्रहण करने में सहयोग कर आज बेटी ने जिले में टॉप किया है। इस उपलब्धि पर बेटी को पूरे परिवार ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। बेटी अब डाटा साइंटिस्ट बनना चाहती है। बेटी का कहना है कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं यूट्यूब से देखकर पढ़ाई करती थी, रोजाना 3 घंटे पढ़ाई की है। गौरी की माँ कविता फेंगड़े ब्यूटी पार्लर घर में ही संचालित करती है। जब बेटी के जिले में कक्षा 10वीं में टॉप करने की सूचना लगी तो तब माँ अपने घर में ही मौजूद ग्राहकों का फेशियल कर रही थी। माँ का कहना है कि मेरे पति की मौत के बाद मेरे सभी सपने टूट गए थे, लेकिन मेरे माता पिता और भाइयों ने मुझे सहयोग किया, आज मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। काय में टॉप किया है और कैसा संघर्ष रहा आपका पूरा पढ़ाई का? मैंने क्लास 10th में टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉप 96.8% के साथ। मेरा नाम गौरी कन्हैया फेंगड़े। मैं 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती थी रोज, और जो स्कूल में हमें बताते थे मैं उसे घर पे आके रिवाइज करती थी। इस संघर्ष के पीछे कितने लोगों का साथ है आपके साथ? सबसे पहले तो मैं गॉड को थैंक यू कहना चाहूंगी, और मतलब मेरे टीचर्स का, मेरी मम्मी का, मेरे नाना जी का, मेरे मामा का, सबका बहुत ज्यादा, मतलब मैं उनको श्रेय देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। देखते हैं, परिवार में यदि बड़ा संकट हो जाता है तो घर की स्थिति भी बदल जाती है, बेटी को पढ़ाना लोग नहीं समझते हैं, लेकिन आपके माता पिता सबने सहयोग किया, तो क्या कहना चाहोगे आप लोगों को, आप संदेश क्या है आपका? हाँ, मतलब बहुत संकट तो, मतलब लाइफ में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बट हमें मूव ऑन करके आगे ध्यान देना चाहिए। हमें हमारी सक्सेस के इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम सक्सेसफुल हो सके, कैसे हमारे मम्मी पापा को प्राउड फील करा सके। क्या नाम है? मेरा नाम गौरी फिंगले। दीदी, किस तरह से आपने मेहनत मजदूरी करके ब्यूटी पार्लर चला के बेटी को आज इतना बड़ा मुकाम हासिल करवाया, क्या पूरा संघर्ष रहा है आपका? श्री शिवाय नमस्तुभ्य। सबसे पहले मैं तो यही कहूंगी कि हर हर घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करे और भोलेनाथ जी की सेवाएं करे, जो भी करते हैं भोलेनाथ जी करते हैं। और जो उसके बाद गौरी के पापा, ढाई साल की गौरी थी जब उसके पापा ऑफ हो गए थे, जब से मैं पूरी टूट चुकी थी, पर मेरे मम्मी पापा है जो सबसे बड़े मेरे लिए एक एक मतलब देवता, मतलब सपोर्ट, एक सबसे बड़े सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ और छोटा सा पार्लर चलाती हूँ और पार्लर चलाकर बच्चों की परवरिश करती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कदम कदम पर साथ दिया है, और मेरे दो भाई है बड़े और छोटा, दो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो मेरे बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके अलावा गौरी के लिए, पढ़ाई के लिए, बहुत मेहनत के लिए। क्या नाम है उनका, जो आपके पिताजी है, भाई है, किन किन लोगों ने सहयोग किया है? मेरे पापा जो कांतिलाल पन्नालाल जो पान की दुकान चलाते हैं, और मेरे माता जी है, मेरी माता जी है शोभा भाई कांतिलाल बारी, जो मेरे सबसे बड़े महत्वपूर्ण जीवन में रहे हैं, उन्होंने मेरे कदम कदम पर साथ दिया है। और भाई है, जो भाई है, दोनों जो मेरे भाई में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, जो बड़ा संदीप जो दुकान पे बैठा है पान की, और एक छोटा भाई है राहुल बारी जो अमेरिका की कंपनी में जॉब करता है, दोनों हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और कदम कदम पर हमारे मतलब साथ देते हैं। बेटी ने जिले में टॉप किया है, क्या कहना चाहोगे आप? मेरी बेटी ने जिले में टॉप करके मेरा भी नाम रोशन किया है और घर के परिवार का सबका नाम रोशन किया है। और एक बेटी है जो पूरे परिवार का नाम रोशन करती है, बेटी किसी पे बोझ नहीं बनती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कविता फेंगड़े है। आपने कितनी पढ़ाई की? मैंने 11th
11 पास की है, उसके बाद में पार्लर चलाती हूँ छोटा सा। जो किया है और आपकी बेटी ने अब टॉप किया जिले में, कैसा लग रहा आपको? हमको तो बहुत हर्ष हो रहा है। हमारी नातन ने 12वीं 10वीं पास करा तो, और हमारी लड़की हमारे पास में रहती है, ब्यूटी पार्लर चलाती है। हम उनको बहुत सहयोग करते हैं, और हमारे दोनों बच्चे हैं बड़े छोटे बड़े, उनको भी हम वो हमारे लड़की को बहुत चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कांतिलाल बारी। कितने टॉप किया है और कितने उनके नंबर बने हैं और कितने मार्क्स आए हैं? देखिए, सेवा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल जो है हमेशा जिले में अच्छे परिणाम देती रही है परीक्षा को लेकर। इस बार भी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में भूमि गौरी फिंगड़े इसने 10वीं में जिले में टॉप किया है। इसके 484 मार्क्स है, 96% अंक प्राप्त कर उसने जिले में अपना स्थान ग्रहण किया है।